हेडसेट में आ गया। यहाँ से फिर से हम स्टार्ट करते हैं। सही है, हेडसेट नाम रखना है, तो नाम मैंने आपको बता दिया था, आपकी मर्जी है जो भी नाम रखना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेबसाइट, क्योंकि मैं वेबसाइट तक अपने विजिटर को लाना चाहता हूँ। देन इसके बाद पिशावर, क्योंकि मैं पिशावर को टारगेट करना चाहता हूँ। देन इसके बाद आईफोन, क्योंकि मैं आईफोन सेल करना चाहता हूँ। सही, एक एक चीज आप लिख दो जो भी आपका पर्पज है। मैंने ये लिख दिया, ये मेरा हो गया। अभी इसके बाद आ रहा है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में आपने फेसबुक का जो एड होता है उसी पर एक बटन लगाना होता है, और बटन के थ्रू लोग कहाँ जाएंगे आपने यहाँ पर डिसाइड करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि लोग वेबसाइट तक चला जाए, तो मैंने वेबसाइट सेलेक्ट किया। सही है, अभी क्या होगा, जो भी लोग आएंगे फेसबुक एड के थ्रू सीधा वेबसाइट तक चला जाएंगे। बस ये मेरा एक आइडिया था। नहीं तो अभी सारा कर सकते हो कि मैसेजिंग एप्स कितने होते हैं, मैसेंजर होते हैं, इंस्टाग्राम होते हैं, व्हाट्सएप होते हैं, ये सारे होते हैं। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि बटन लगाए ताकि सीधा लोग मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तक आए। सही, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का मैंने बता दिया था कि फॉर एग्जाम्पल मैं फॉलोअर बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसी के लिए मेरा ये ऑप्शन है। लेकिन आपका इंटेंशन ये नहीं है कि मैं फॉलोअर बढ़ाऊँ, आपका इंटेंशन ये है कि मैं प्रोडक्ट सेल करूँ, तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आपने क्लिक नहीं करें, सिर्फ इसका आइडिया रखना। अगेन कॉल का एक ऑप्शन आ रहा है, तो कॉल का भी मैंने बता दिया था कि फॉर एग्जाम्पल आप रियल इस्टेट का एक बिजनेस चलाते हो, तो लोग आपको कॉल करेंगे ना, तो कॉल के लिए एक बटन लगा होगा जो लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉल कर देंगे। मैं वेबसाइट अभी कर देता हूँ, क्योंकि लेट सपोज मैं आइडिया रखता हूँ कि मैं वेबसाइट तक लोगों को लाना चाहता हूँ। सही है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक सेलेक्ट करना, सारे तो नहीं कर सकते। सही, कंफ्यूजन आई थिंक इसमें था ना कि परफॉर्मेंस गोल है, तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि लोग वेबसाइट तक आ जाए। सही है, वो तो सही है, लेकिन पैसे कैसे कटेंगे यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है। सही, मैंने ये कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे एड पर क्लिक करे और वेबसाइट तक आ जाए तो पैसे काट ली जाएंगे मुझसे, जितने भी मैं चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये का डेली बजट है, तो एक क्लिक का जितना भी कटेगा वो क्या होगा, इस तरह होगा कि एक बंदा इस एड के थ्रू आ जाए और मेरे लैंडिंग पेज तक आ जाए। बस लैंडिंग पेज तक जब वो आ जाएगा तो पैसे काट ली जाएगी। अब लैंडिंग पेज क्या होता है, देखो मेरा एक वेबसाइट है, लेट्स सपोज ये मेरा वेबसाइट है ना, masterbloggers.com। तो मैं क्या क्या करूंगा, फेसबुक एड लगाऊंगा, उस पर एक बटन लगाऊंगा। सही, अगर उस बटन पर कोई क्लिक करेगा तो कहाँ आएगा, इस वेबसाइट पर आएगा जो कि मेरा वेबसाइट है। तो जैसा ही वो इस वेबसाइट पर आता है और ये पूरा लोड होता है, तो ये एक लैंडिंग पेज व्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसमें ऐड हो गया, तो क्या हुआ, पैसे काट दी जाएगी। बस इसका आइडिया भी क्लियर है ना, कि जो भी बंदा इस वेबसाइट तक आएगा तो जैसा ही वो यहाँ पर आ जाए, विजिट करें, बस जितने पैसे वो एक क्लिक का होता है वो आपसे कट कर दी जाएगी। सही है, अभी दूसरा क्या है, मैंने कहा कि लिंक क्लिक्स। तो क्लिक्स का क्या होगा, क्लिक्स का ये होगा कि मैं एक ऐड लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का, तो अगर उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो जैसे ही क्लिक करेगा अगर वो यहाँ तक आ भी ना जाए, फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करे और पूरा लोड ना हो, वापस चला जाए, पूरा लोड नहीं हुआ लेकिन वापस चला गया, फिर भी पैसे कटेंगे, क्योंकि आपने क्लिक का कहा था इसको कि जैसे ही क्लिक आएगा पैसे काट ली जाएंगी। अगर क्लिक नहीं आएगा तो वो इंप्रेशन में शुमार होगा और इंप्रेशन में पैसे नहीं कटेंगे। सही, मैंने इसको ये बता दिया था। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेज है, मैं इसको आईडी में कन्वर्ट करता हूँ, आईडी में होगा ना, एडवर्टाइजमेंट हमें ये फेसबुक आईडी में मिलती है, तो इसको मैं करता हूँ। देखो ये एक ऐड है, देखो अब इसके ऊपर एक बटन है, अगर इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ बस पैसे कट हो जाएंगे। ये मेरा एक पर्पस है लिंक क्लिक का। दूसरा भी ये था हमारे पास, तीसरा ये है डेली यूनिक रीच। अभी मैं कह रहा हूँ कि सही है, एक क्लिक पर तो पैसे कटेंगे, लेकिन इस तरह भी होता है कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। तो एक बंदे ने 3 बार क्लिक किया। अभी मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे हर एक बंदा यूनिक चाहिए। सही है, यूनिक क्या होगा कि मैं एक बार इस पर क्लिक करूंगा तो दूसरी बार मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा, क्योंकि फेसबुक मुझे दिखाएगा नहीं ये वाला एड। तो बस यही मैं कह रहा हूँ, इसमें रीच आ गया। सही, यूनिक रीच। कन्वर्सेशन मैंने आपको बताया था कि कन्वर्सेशन का क्या मतलब है, अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो कहाँ जाएगा, व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप पर चला जाएगा, क्योंकि कन्वर्सेशन उसी के लिए यूज होता है। अगर आप वेबसाइट वेबसाइट पर करते हो तो कन्वर्सेशन नहीं करना, क्योंकि इसका फायदा ही नहीं है, लोग हमसे बात कैसे करेंगे, वेबसाइट पर तो हमसे बात नहीं कर सकते, वो तो मैसेंजर पे करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे।
तो लेट सपोज मैं यहाँ पर मैसेजिंग एप्स कर देता हूँ, सही है, और यहाँ पर मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ। अभी क्या होगा, अभी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, उसी पर ला सकता हूँ, सही, उसी के लिए मैं कह रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर हो फिर मैं नहीं कर सकता, उसका फायदा ही नहीं है, कन्वर्सेशन का क्या फायदा होगा, इसलिए मैं बता रहा था। अभी देखो और हम देखते हैं क्या इसमें लास्ट वाले, इसमें इंप्रेशन, तो इंप्रेशन का भी मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जाम्पल इंप्रेशन क्या होता है, मैं इस तरह फेसबुक में हूँ, इस तरह स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो जब भी मुझे ये दिख जाएगा तो बस हाँ ये इंप्रेशन में काउंट होगी, सही है। तो इंप्रेशन ज्यादा आते हैं, क्लिक्स ज्यादा नहीं आते, सही है, ये हमने सिर्फ एक माइंड में रखना है, तो फिर मुझे पता चल जाएगा। अब आप चाह रहे हो इम्प्रेशन का क्या फायदा है, देखो अब आप चाह रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एड को देख सके, मुझे नहीं चाहिए कि लोग इस पर क्लिक करें, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझसे कुछ ले ले, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पोस्ट को देखे, तो इसी के लिए इम्प्रेशन होता है, सही है, सिर्फ देखना होता है। अब उसकी मर्जी, अगर उस वो इस पर क्लिक करता है तो ये उसकी मर्जी, नहीं क्लिक करता फिर भी उसकी मर्जी, लेकिन मेरा इम्प्रेशन काउंट हो गया क्योंकि मैं सिर्फ चाह रहा था कि ये बंदा सिर्फ इसको देखे, सही है। इसमें अभी कोई कंफ्यूजन है आपको, कल मैं खैर वो एडवांस लेवल में आपको बता रहा था, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो गए, इसमें बाद में देखेंगे, आपको एडवांस का पता चल जाएगा तो उसमें कोई मसला नहीं होगा, सही है। तो परफॉर्मेंस गोल ये हमारे पास एक ऑप्शन है,